क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन इन द फिगर. प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द सेम बॉडी इज शोन इन द फिगर. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, सेम एज दैट बताना है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताना है. तो इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताना है. ओके, तो इस केस में अगर देखिए, पहले हमारे पास इनिशियली तो हमें जो इनिशियली अगर मानेंगे तो वेलोसिटी जीरो ही माननी पड़ेगी, वरना तो कोई भी ग्राफ इसमें नहीं बनेगा. तो इनिशियली हमारे पास क्या है, यहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा, इनिशियली वेलोसिटी जीरो. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो रहा है, जीरो है. एक्सेलरेशन क्या है, शुरू में जीरो है. तो एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, शुरू में हमारे पास क्या है, शुरू में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है. तो हमारे पास वेलोसिटी भी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव और कांस्टेंट आनी चाहिए. तो ये हमारे पास इस प्रकार बन गया. फिर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, जीरो. एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा. फिर एज इट इज सेम एज दैट बनती दे रही है, हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है. तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. तो इसमें जो हम इसमें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में तो हमें क्या देखनी है, इसकी हाइट. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हाइट इक्वल किसके है, स्लोप ऑफ वीटी टाइम ग्राफ. हाइट ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इस ग्राफ में हमें हाइट देखनी है और इसमें स्लोप देखनी है. और इससे ये प्रूव भी हो रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो क्या दे रहा है, हमें एरिया दे रखा है. इससे ये प्रूफ ही हो रहा है, पर हमें देखना है इसके हाइट देखनी है और इसका स्लोप देखना है, दोनों क्या है, सेम है. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन.